स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे ऑनलाइन चैनल में स्वागत है। हम सभी न्यूक्लिक एसिड को देख रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है उसको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इससे पहले का जो वीडियो था वो मेरा इस बात पर आधारित था कि नाइट्रोजनस बेस दो प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं पिरिमिडिन बेस, एक को कहते हैं प्यूरिन बेस। पिरिमिडिन बेस तीन प्रकार की हमने पढ़ा, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। इन तीनों का स्ट्रक्चर हम कितनी आसानी से बना सकते हैं उसका मैंने आपको ट्रिक भी बताया कि आपको बस छोटे से आपको चीज़ें याद रखनी होती है कि किस एटम को रिप्लेस करना है। बस आपको ये पता रहता है तो आसानी से आप साइटोसिन, थाइमिन या यूरेसिल को बना सकते हैं। उसी के क्रम में नाइट्रोजनस बेस में ही अगर हम देखें तो नाइट्रोजिनस बेस में जो एक टाइप हमने देखा उसको हमने बोला पिरिमिडिन बेस, और दूसरा जो बेस है इसे हम कहते हैं प्यूरिन बेस। आज का जो लेक्चर है ये किस पर आधारित है? ये प्यूरिन बेस पर आधारित है। पिरिमिडिन बेस को मैंने इससे पहले के लेक्चर में बताया हुआ है। तो आज का ये वीडियो फोकस करता है किस पर? प्यूरिन बेस पर फोकस करेगा कि प्यूरिन बेस का स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं या इसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो हम प्यूरिन बेस पर। तो यार देखिए यहाँ पर कि हम प्यूरिन बेस को कैसे आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से इसे बना सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर आपको प्यूरिन बेस समझना है तो पहले आपको ये समझना होगा कि प्यूरिन रिंग जो है वो कैसे बनती है। तो हम क्या समझने जा रहे हैं? हम ये समझने जा रहे हैं कि प्यूरिन रिंग, इस प्यूरिन रिंग का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इसका जब फॉर्मेशन करने की बात होती है तो दो रिंग, कौन कौन सी रिंग? एक रिंग जो है वो है आपके पिरिमिडिन रिंग, और एक दूसरी रिंग जो है जिसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं आइमिडाजोल रिंग। इन दोनों रिंग को ऐड कर दीजिए, और अगर इन दोनों रिंग को आपने ऐड कर दिया है तो क्या बन जाएगा? प्यूरिन रिंग आपका बन जाएगा। तो कैसे बनेगा इसको देखिए ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान सी बात है। अगर आप समझ जाएंगे तो प्यूरिन बेस को भी याद नहीं करना होगा, इसका स्ट्रक्चर भी आप बहुत ही आसानी से पलक झपकते ही बना लेंगे। देखिए कैसे। तो पिरिमिडिन रिंग आप कैसे बनाना सीखे हुए हैं? तो पिरिमिडिन रिंग को बनाने का तरीका मैंने क्या बताया है? मैंने कहा है कि देखिए कार्बन, फर्स्ट पोजीशन पर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, इस पोजीशन पर नाइट्रोजन, और ये दो पोजीशन पर कार्बन रखेंगे। ये बात अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो इसका पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद अल्टरनेट फैशन में हम क्या लगाते हैं? डबल बॉन्ड लगाते हैं। तो अल्टरनेट फैशन में देखिए हम क्या करते हैं, ऐसे डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, फिर हाइड्रोजन की सहायता से इसे फिलअप करते हैं। तो क्या करते हैं, देखिए एक हाइड्रोजन हमने यहाँ लगा दिया, चार हो गया इसकी वैलेंसी, नाइट्रोजन की वैलेंसी तीन हो गई है, कार्बन की वैलेंसी एक कम है, तो फिर एक हाइड्रोजन यहां लगा दीजिए। नाइट्रोजन की वैलेंसी देखिए एक दो तीन पूरी हो गई है, इस कार्बन की वैलेंसी एक दो तीन, एक और लगाइए हाइड्रोजन, इस कार्बन की वैलेंसी एक दो तीन, एक और हाइड्रोजन, ऐसा। यानी ये जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है, ये स्ट्रक्चर आपने क्या बना दिया? ये स्ट्रक्चर आपने बना दिया है पिरिमिडिन रिंग को, आपने यहां पर बना दिया। तो ये आपका पिरिमिडिन रिंग यहां पर बनके तैयार हो गया है। अगला जो आपको बनाना है वो बनाना है आइमिडाजोल। ये कैसा रिंग है? तो ये रिंग जो है ये फाइव मेंबर्ड है। इसमें मेंबर्ड की संख्या कितनी है, एटम की संख्या कितनी है? पांच। ये कितना मेंबर रिंग है? इसको हम कहते हैं दिस इज द सिक्स मेंबर्ड। ये सिक्स मेंबर रिंग है, इसमें एटम की संख्या रिंग में कितना है? छह है। देखिए वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, ऐसा। यहां पर पांच होनी चाहिए। अब पांच कैसे है जरा उसको देखते हैं। तो देखिए यहां पे, देखिए कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन,
कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, कुछ ऐसा यहां पर है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा यहां पे। और इस स्ट्रक्चर के साथ ही साथ आपको क्या दिखाई देगा, इस स्ट्रक्चर के साथ ही साथ एक डबल बॉन्ड आपको यहां लगाना है और अगला डबल बॉन्ड आपको यहां लगाना है, ऐसा। तो इस तरीके से आपको डबल बॉन्ड यहां पे लगाने होंगे। यहां पर वैलेंसी कंप्लीट करिए, अल्टरनेट फैशन लगेगा। यहां पर वैलेंसी कंप्लीट करेंगे तो एक दो तीन, एक हाइड्रोजन से कंप्लीट कर लीजिए, ये भी एक हाइड्रोजन से कंप्लीट करेंगे तो इसका भी पूरा हो जाएगा। नाइट्रोजन की एक दो तीन पूरी है, इस कार्बन के लिए एक दो तीन एक हाइड्रोजन लगा लीजिए और यहां पर एक दो और एक यहां पर हाइड्रोजन लगा दीजिए, ऐसा। तो ये स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं आइमिडाजोल रिंग। अब आपको अगर क्या बनाना है, प्यूरिन रिंग बनाना है तो क्या करना पड़ता है, यहां पर ये दोनों नंबरिंग कर लेते हैं रसा, ये नंबरिंग वन, इस पेन से कर देता हूं, रेड से करता हूं, आसान रहेगा आपको समझने में। रेड इज अ वन टू थ्री फोर एंड फाइव, ऐसा। तो करना क्या होता है, ये फोर एंड फाइव देखिए दोनों में कॉमन है, ऐसा। तो दोनों रिंग को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो क्या करना होता है, ये फोर एंड फाइव जो है ये एक बार ही लिखा जाएगा। यानी कहने का ये मतलब है कि अगर मैं क्या बना दूं यहां पे, अगर मैं प्यूरिन रिंग को बनाना चाहता हूं, देखिए यहां पे इन दोनों को जोड़ करके अगर मैं क्या बनाना चाहता हूं, प्यूरिन रिंग बनाना चाहता हूं, तो मैं कैसे बना सकता हूं, इस बात को ध्यान दीजिए। देखिए कार्बन, मैं इसको पहले बना रहा हूं, देखिए नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन कार्बन और ऐसे, क्लियर है। तो ये मैंने बना दिया, इसको भी साथ में ले रहा हूं मैं, तो देखिए नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन, ऐसा बॉन्ड्स लगा लेते हैं। यहां पर देखिए डबल बॉन्ड्स हैं और ये हो गया हाइड्रोजन, ये पोर्शन बना दिया, ये हो गया आपका हाइड्रोजन, इसको कर दिया, यहां पर डबल बॉन्ड लगा दिया ऐसा, और यहां पर हमने डबल बॉन्ड कर दिया, ये पोर्शन कंप्लीट। इस पोर्शन पर आते हैं तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, एक यहां हाइड्रोजन लगेगा और एक यहां लगेगा हाइड्रोजन, ऐसा। तो अब ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इन दोनों को मिलाकर के जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, वास्तव में यही क्या है, यही आपका प्यूरिन रिंग है। ये जो स्ट्रक्चर आप यहां पे बनाए हैं, नंबरिंग कैसे करते हैं, तो नंबरिंग देखिए वन नंबर है, ये टू नंबर है, ये थ्री नंबर, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, ये सेवन, ये एट और ये नाइन, ऐसा। तो जो नाइन मेंबर रिंग है इसको हम कहते हैं प्यूरिन रिंग। और प्यूरिन रिंग जब आपने बना लिया है तो जो प्यूरिन बेसिस हैं उनको बनाना आसान है, क्योंकि जो प्यूरिन बेसिस होते हैं उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या कितनी है, दो है। एक को हम क्या कहते हैं, एक को हम कहते हैं एडनीन, कैसे लिखते हैं, कैपिटल ए से, और दूसरा क्या है, दूसरा है ग्वानीन, कैसे लिखते हैं, कैपिटल जी से। दूसरा जो है ग्वानीन है, कैसे लिखते हैं, कैपिटल जी से। यानी अब हमारा फोकस किस पर होगा, अब हमारा फोकस होगा कि हम एडनीन को कैसे बनाएंगे और ग्वानीन का स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारा पूरा फोकस एडनीन और ग्वानीन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने पर होगा, उसको भी जरा देख लेते हैं हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए रिंग को मैं रहने देता हूं, देखिए रिप्लेस हम करते हैं, कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, इस बात को हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए प्यूरिन बेसिस में, सबसे पहले हम देखेंगे एडनीन कैसे बनेगा, इस बात को देखने जा रहे हैं। देखिए यहां पर तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं एडनीन किस तरीके से बनाया जाएगा। तो स्ट्रक्चर में एडनीन हेडिंग दीजिएगा, सभी को ही कॉपी पेन लेके बैठे और खुद से बनाने को सीखें, एडनीन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो एडनीन का स्ट्रक्चर जब भी बनेगा तो इस प्यूरिन रिंग से बनेगा, तो प्यूरिन रिंग आपको पता होना चाहिए। करना क्या है, करना ये है, एक ही क्लू है, और क्या क्लू है कि कार्बन नंबर 6 का जो हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन एटम है, इसको रिप्लेस करना है किससे, NH2 से, बस एक ही बात ध्यान रखनी है, बस इसी बात को। अगर आप इस बात को ध्यान रखते हैं तो एडनीन बनाना चुटकियों का काम है। क्या ध्यान रखना है कि कार्बन नंबर 6 का हाइड्रोजन, कार्बन नंबर 6 का हाइड्रोजन रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है, तो इसका रिप्लेसमेंट होगा NH2 से।
अगर NH2 से आपने रिप्लेस कर दिया तो आपका स्ट्रक्चर बनके तैयार। यानी कहने का क्या सेंस है, कहने का ये सेंस है कि मैं दोबारा बना के दिखाता हूं आपको। देखिए क्या मैं कह रहा हूं, स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले। देखिए यहां से बना रहा हूं, देखिए कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन एंड नाइट्रोजन, ये पोजिशंस हो गई। देन नाइट्रोजन कार्बन देन नाइट्रोजन एंड कार्बन, ये हो गई पोजिशंस। अब नंबरिंग कर लेते हैं, नंबरिंग हमें करना आता है। दिस इज अ वन, दिस इज अ टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट एंड नाइन, ये पोजिशंस की नंबरिंग है। क्या कहा जा रहा है कि सिक्स नंबर के कार्बन में हाइड्रोजन मत लिखिए, क्या लिख दीजिए, एनएच टू, ऐसा। और बाकी सब कुछ वैसे ही रहने दीजिए, मतलब यहां डबल बॉन्ड आएगा, ठीक, यहां डबल बॉन्ड आएगा, यहां हाइड्रोजन आएगा और यहां डबल बॉन्ड आएगा, यहां डबल बॉन्ड, यहां हाइड्रोजन की पोजीशन और यहां पर हाइड्रोजन की पोजीशन। देखिए सब कुछ से, यानी बस मैंने क्या किया, देखिए मैंने क्या किया है, इस पोजीशन की जगह पर, ये पोजीशन जो है इसकी जगह पर मैंने देखिए क्या लिख दिया है, NH2 को लिख दिया है बस। तो ऐसा अगर आपने बनाया तो स्ट्रक्चर किसका हो गया, ये स्ट्रक्चर किसका बना दिया गया है, ये स्ट्रक्चर बनाया गया है एडनीन का, ऐसा। दूसरा भी देख लेते हैं, ग्वानिन भी देख लेते हैं। तो एडनीन के बाद जो दूसरा प्यूरिन बेस है उसका नाम है ग्वानिन। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जी से, ऐसा। इसके लिए दो चीजें याद रखनी है, दो चीजें क्या क्या याद रखनी है, तो दो चीजें हमें याद रखनी है कि कार्बन नंबर जो सिक्स है इसका जो हाइड्रोजन एटम है इसका रिप्लेसमेंट करना है किससे, ऑक्सीजन से। किससे रिप्लेस करना है, ऑक्सीजन से करना इस बार। और दूसरी क्या बात याद रखनी है, दूसरी बात यह याद रखनी है कि कार्बन नंबर टू, ये कार्बन नंबर टू, इसके हाइड्रोजन रिप्लेस होगा किससे, एनएच टू से, बस। ये दो बातें ही ध्यान में रखनी है तो ग्वानिन आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्या, कार्बन नंबर छह पर हाइड्रोजन की पोजीशन रिप्लेस होगी ऑक्सीजन से, कार्बन नंबर टू पर हाइड्रोजन की पोजीशन रिप्लेस होगी एनएच टू से, बस दो चीजें। तो या देखते हैं, बना के देखते हैं, यहां पे यहां बन जा रहा है, कैसे बनेगा। तो देखिए क्या करने वाले हम लोग हैं, इसी में बना देता हूं मैं, कोशिश करता हूं इसी में बना देता हूं। देखिए इसी बनाते हैं, चलिए यही बना दे रहे नीचे आपके लिए, इसी में बना दे रहे हैं, नया बनाऊंगा तो आपके लिए आसानी रहेगी। चलिए देखिए यहां पर लिखते हैं, पहले कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन एंड दिस, नंबरिंग कर लेते हैं, अच्छा पूरा रिंग कर लेते हैं, पहले रिंग को पूरी कर लेते हैं, नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन एंड कार्बन, ये हो गया नंबरिंग। दैट इज अ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन, ऐसा। पहले जो लगाना है लगा लेते हैं, पहले देखिए कार्बन नंबर सिक्स पर ऑक्सीजन, तो कार्बन नंबर सिक्स पर क्या लगाना है, लगा दिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वैलेंसी दो होती है तो डबल बॉन्ड लगेगा ही लगेगा। कार्बन नंबर टू पर NH2, ये काम करना है, ये कर दिया, ये दो काम कर दिया। अब बाकी चीजें बैलेंस करनी है, देखो बैलेंस करते हैं, सीखते हैं। देखो यहां पर कार्बन की चार वैलेंसी हो गई है तो कुछ आप कर नहीं सकते हैं, यानी यहां पर डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते हैं। तो यहां पे अगर डबल बॉन्ड आप नहीं लगाएंगे तो देखिए नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है, तो नाइट्रोजन के साथ क्या देना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन देना पड़ेगा, क्लियर है, तब जाके नाइट्रोजन की वैलेंसी तीन हो पाएगी। तो एक डबल बॉन्ड यहां लगता था, एक डबल बॉन्ड यहां लगता है, तो यहां देखिए लग सकता है क्या, तो यहां बिल्कुल लग सकता है डबल बॉन्ड, तो वैलेंसी कार्बन की एक दो तीन चार हो जाएगी, नाइट्रोजन की वैलेंसी भी हो जाएगी पूरी, चार हो जाएगी, तीन हो जाएगी, एक दो तीन, एक डबल बॉन्ड यहां लगता है जिससे कार्बन की वैलेंसी चार और इस कार्बन की वैलेंसी चार हो गई, ओके। और कोई चेंजेस नहीं करनी है, तो बाकी यहां पर डबल बॉन्ड कर लीजिए, यहां पर हाइड्रोजन कर लीजिए और यहां पर हाइड्रोजन कर लीजिए, हो गया। तो देखिए कितनी आसानी से मैंने ये बना दिया आपके लिए कि ग्वानिन भी कितने आसानी से बन गया। तो इस तरीके से हम लोग बहुत ही आसानी से केवल दो चीजें याद रख करके कि इसके लिए क्या आपको करना है और इसके लिए दो बातें याद रखनी है। अगर आपको ये दो बातें याद हैं तो आसानी से ग्वानिन आप बना सकते हैं, एक केवल छोटा सा क्लू याद है तो आप एडनीन को भी आसानी से बना सकते हैं। तो हम लोगों ने दो क्लासेस में
पिरिमिडिन बेस पढ़ा और प्यूरिन बेस को पढ़ा है। आगे हम लोग देखेंगे सुगर के बारे में पढ़ेंगे, पेंटोज सुगर, उसका स्ट्रक्चर, और फिर हम लोग देखेंगे इसका एडिशन कैसे होता है। तो आगे की जो भी क्लास होगी उसमें हम इसमें इसको देखने जा रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को सजेस्ट करें। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उसे करें। तो अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।